और इस्लामी शिक्षा के लिए मशहूर संस्थान ने छात्रों के दाढ़ी बनाने पर क्यों रोक लगाई? यूपी में योगी सरकार पेश करेगी बजट, तेजस्वी के नाम पर जेडीयू में क्यों हुई तकरार? राज्य से जुड़ी खबरों के लिए देखिए राज्य टॉप नाइन। इस्लामी शिक्षा के लिए दुनिया भर में मशहूर दारुल उलूम देवबंद ने छात्रों को दाढ़ी कटवाने पर रोक लगा दी है। नियम तोड़ने वाले छात्रों को मदरसे से निष्कासित करने की चेतावनी दी गई। दारुल उलूम ने 3 साल पहले फतवा जारी कर दाढ़ी कटवाने को हराम बताया था। बिहार में तेजस्वी यादव को अगला सीएम बनाने को लेकर जेडीयू में तकरार बढ़ गई है। ललन सिंह ने कहा कि 2025 की बात 2025 में ही होगी, अभी सिर्फ 2024 की बात होगी, जबकि सीएम नीतीश कुमार पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि अगला चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है और हमने जो कहा है उसमें विरोधाभास कहाँ है? मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 2025 में नेतृत्व करेंगे, चुनाव लड़ा जाएगा, उसके बाद मुख्यमंत्री तो चुनता है विधायक लोग ना। यूपी सरकार में मंत्री राकेश सचान को बड़ा झटका लगा है। राकेश सचान को 11 साल पहले आवंटित किए गए 72 औद्योगिक भूखंडों का आवंटन उद्योग भवन ने रद्द कर दिया। नियमों का उल्लंघन कर भूखंड आवंटन करने वाले अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। मुंबई में सीएम शिंदे की अध्यक्षता में शिवसेना राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें वीर सावरकर को भारत रत्न, नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 80% रोजगार देने के साथ ही चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम चिंतामन देशमुख के नाम पर रखने का प्रस्ताव पास किया गया। योगी सरकार आज बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना करीब 7 लाख करोड़ का बजट पेश करेंगे, जो यूपी के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, रोजगार बढ़ाने पर जोर और महिलाओं और किसानों पर फोकस रहेगा। एमपी के खंडवा से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां प्रेम प्रसंग के चलते दबंगों ने एक शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी। हत्या से नाराज मृतक के परिवार वालों ने आरोपियों के आंगन में ही शख्स का अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। मुंबई में एनसीपी दफ्तर पर पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार के पोस्टर लगाकर उन्हें भावी सीएम बनाने का ऐलान कर दिया है। एनसीपी दफ्तर पर होर्डिंग लगाए गए हैं, जिस पर लिखा है एक ही वादा अजीत दादा। पुणे में एनसीपी कार्यकर्ता उन्हें जेसीबी मशीन पर चढ़कर फूल बरसाए। भिवानी हत्याकांड के आरोपी श्रीकांत मरोड़ा के घर छापेमारी मामले में हरियाणा पुलिस ने राजस्थान पुलिस के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। श्रीकांत के परिजनों ने पुलिस पर बहू के साथ मारपीट का आरोप लगाया था, जिससे गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हुई थी।